नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिग्मा स्टार सिग्मा समरसेबल पंप के बारे में। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया कंपनी का समरसेबल पंप आता है। एक 1.5 HP का समरसेबल पंप है, 20 स्टेज का आउटलेट 1 इंची है, सिंगल पेस है, समरसेबल पंप है। तो गाइस चारों तरफ देख ही सकते हैं सिग्मा की ब्रांडिंग, मेड इन इंडिया। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया कंपनी है सिग्मा। एक लो लेवल में काफ़ी बढ़िया कंपनी आ जाती है। 10,000 में आपको 1.5 HP 20 स्टेज की मोटर मिल जाएगी, V4 आएगी। और गाइस सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ देख सकते हो, कितना वोल्टेज लेती है, कितना एम्पियर लेती है वगैरह सारी चीज़ें। और ये दिशा निर्देश दिए हुए कि वाटर पंप में पानी डाल के ही चलाए, बाकी नहीं चलाए क्योंकि जलने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार 2 वोल्ट खोलना है और इनके अंदर पानी भरना है। गाइस कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले यही काम करना है आपको, मोटर ओपन करते ही दोनों ही के अंदर पानी भरना है। गाइस इस प्रकार आप जग मग वगैरह से पानी भर सकते हो। पानी कंप्लीट भरने के बाद आपको मोटर ज्वाइन करना पड़ेगा। पानी डालने के बाद आपको मोटर, ये तो हमारा पंप है, इसके देखिए हम बैरल पर लगा दी है। बैरल पर लगाने के बाद अपन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर गर्म करके पाइप लगाएंगे, ऊपर का नीचे का दोनों पाइप लगा के बताएंगे और पानी चला के बताएंगे। इस प्रकार देखिए आप चूड़ी से चूड़ी जिसमें जो नट आती है उसको आपस में आपको मिला के एकदम अच्छे से लगाना पड़ेगा। और 4 बोल्ट इस प्रकार आप आसानी से टाइट कर लीजिए, आपको 13 चौथे कर पाने से आराम से टाइट हो जाएंगे। गाइस कुछ भी नहीं करना है, मोटर को एकदम चेक कर लेना है फिर कि इसमें चल रही है कि नहीं चल रही है, एक बार ज़रूर, क्योंकि लगाने से पहले एक बार ज़रूर हल्का सा टेस्टेड कर लेना, खाली नहीं चलानी चाहिए लेकिन एक बार हल्का सा टेस्टेड कर लेना चाहिए। ये हमारी कंप्लीट मोटर देख पा रहे हो आप गाइस, ऊपर से नीचे तक मोटर, ये केबल है हमारी जो पूरे अंदर जाएगी और केबल टू केबल ज्वाइंट करके बताएंगे आपको, पूरा कम्प्लीटली वर्क बताएंगे। एक से एक ये हमारी जाली लगा दी है और जाली को हमेशा टेप की टेप से बांध दीजिए क्योंकि जाली खिसक ना जाए। और जाली सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपको पानी पंप को ख़राब करने को रोकने के लिए। और गैस इस प्रकार देख लीजिए आपको वायर कनेक्शन करने का तरीका, आपस में मिलाने RYB रेड येलो और ब्लू, लाल पीला नीला, तीनों को आपस में इस प्रकार मिलाने की क्रॉस ओवर नहीं करें। आपको ज्वाइंट करने का तरीका देखिए आमने सामने, जैसे कि पहले केबल ज्वाइंट हो ना, नहीं ज्वाइंट हो रही हो ना, वैसे का वैसा ज्वाइंट करना, कुछ चेंजेस नहीं करने आपको, तीनों को आमने सामने ही ज्वाइंट करना। तिरछा आप ज्वाइंट कर दोगे तो कहीं फंसने के चांसेस रहते हैं, आप हर किसी प्रकार से ज्वाइंट करोगे तो आप सामने टू सामने ज्वाइंट करिए। और कच्चा रबर टेप वगैरह आप आइसोलेशन टेप अच्छे से लगाइए क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होती है कि आपका आइसोलेशन टेप या टैप अच्छे से लगे, क्योंकि वाटरप्रूफ टैप होती है आइसोलेशन। तो ये पहले हम सबसे पहले टैप लगा देंगे, उसके बाद आइसोलेशन लगाएंगे, सिंगल सिंगल वायर पे लगाएंगे गाइस, क्योंकि सिंगल सिंगल ही होना चाहिए, क्योंकि डबल डबल पे आप एक साथ ना लगाएं, पहले सिंगल सिंगल पे लगा लें एक बार टैप और एक बार आइसोलेशन टैप, उसके बाद एक ही बार पूरे पे लगा सकते हो आप आसानी से। इस प्रकार आप तीनों पे ही अच्छे से वायरिंग कर दीजिए। वायरिंग का आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वायरिंग की जाती है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए कि समरसेबल पंप कैसे लगाते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की और नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलग अलग कंपनियों के हम समरसेबल पंप मोटर वगैरह लगाते हैं, पाइप फिटिंग का पूरा वीडियोस आता है। और इस प्रकार आप देख सकते हो हमें आइसोलेशन टेप लगाने का तरीका, सिंगल सिंगल पे आपको सारे पे लगाना है, उसके बाद पूरा पे एक पे लगाना है, मैंने समझाया था वैसे ही। और गाइस हमारे सैनिटरी वेयर किसी भी प्रकार की सारी वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख के चले जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइस हमारा ये आइसोलेशन टेप लगाने का तरीका भी आपको हमने समझा दिया पूरा कम्प्लीटली। हम इस वीडियो में इतनी बड़ी वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आपको पूरा समझाया जा सके अच्छे से, क्योंकि अच्छे से नहीं समझ पाते, कई बार कमेंट आते कि क्या कर रहे हो आप। इस प्रकार आप देखिए वापस पूरे एक ही सिंगल वायर पर आपको टेप लगानी है, तीनों को ज्वाइंट कर देना है कि कहीं लगे भी नहीं कि ज्वाइंट हो रहा है, बिल्कुल वायर की तरह ज्वाइंट कर लिए। इस प्रकार देखिए लग रहा है ना कि वायर का वायर है, मतलब अभी इसको क्रॉस में कोई लोग ज्वाइंट करते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हम बता देते हैं गाइस गरम करना है पाइप को। पाइप गरम करने के बाद इस प्रकार रेंच पाने की सहायता से चौड़े कर दीजिए। चौड़े करने के बाद आप कुछ भी नहीं, हथौड़ा भी डाल दीजिए क्योंकि थोड़ा चौड़ा होगा तो आसानी से चला जाएगा। तो गाइस ये हमारा चला गया, नहीं गया तो आपको वापस ऐसे ट्राई करते रहना है,
फिर ठंडा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार लगाने के बाद आप आसानी से धक्का मारिए, फुल चला जाएगा। ग्रिप टू ग्रिप पकड़ लेने चाहिए। और ये टेप का मैंने बताया नहीं था तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि आइसोलेशन टेप भी लगाते हैं उसके ऊपर। आप कहोगी कि वीडियो में पूरा नहीं बताया, तो इस प्रकार देखिए पूरी पे आइसोलेशन टेप लगाने के बाद हमारी कम्प्लीटली मोटर फिट हो गई है। और हम क्लिप लगा के आपको बता देते हैं, इस प्रकार आप क्लिप लगा दीजिए। क्लिप लगाने का तरीका आपको आता ही है, पहले पाइप के अंदर क्लिप डाल लेना चाहिए, उसके बाद आपको गर्म करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़। क्लिप को अच्छे से टाइट करिए, जितना फुल हो सके उतना टाइट करिए जितना, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आती है कि क्लिप टाइट नहीं हुआ है, फिर पाइप छूट गया है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अच्छे से क्लिप टाइट करिए। और आपको चलाने से पहले आपको कनेक्शन कैसे करते हैं वो चीज़ बता देता हूँ गाइस। इस प्रकार आप कनेक्शन कर सकते हो वायरों का, ये हमने सप्लाई का कर दिया है। और ये आर वाई भी तीनों ही जॉइंट कर देंगे। उसके बाद आपको एक बार टेस्ट करने के मैंने बोला था ना, ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा टेस्ट करिए मोटर को डालने से पहले। तो हम एक बार टेस्ट करके मोटर डालेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि पानी किस प्रकार आता है। आप तीनों तारों का कनेक्शन देख सकते हो, आर वाई भी। इस प्रकार आप कनेक्शन अच्छे से कर दीजिएगा गाइस। ये देखिए हमने आर, ये लास्ट में हमने आर जोड़ा है, पहले उससे पहले वाई जोड़ा था, उससे पहले ब्लू जोड़ा था। आर वाई भी सिस्टम आप इस प्रकार से, तो इस प्रकार ये हमारा कनेक्शन हो गया। आपको बता देते हैं एक बार, ये हमारा फिट हो गया। लाइट वगैरह देख लेते हमने एक बार स्टार्ट करके देख लिया। देखो वोल्टेज आ रहे 220, और हमने एक बार स्टार्ट करके देख लिया। और अब सबसे पहले हम डालेंगे इसको वायर रस्सा केबल, हमने जोड़ दिया। ये देखो पानी यहीं भरा हुआ है पास में ही, मात्र 10-15 फुट पे। उसके बाद आपको बताएंगे कि समरसेबल पंप अंदर डालना है। उससे पहले आप रस्सी वगैरह से केबल को अच्छे से बांध लीजिए। हर 20 फीट पे आपको केबल को बांधना पड़ेगा। अगर 250-200 फीट उतार रहे हो तो हर 20-30-40 फीट के आपका एक बार रस्सी बांधनी होगी। और गाइस इस प्रकार देख लीजिए हम अंदर उतार रहे हैं। इस प्रकार ये मोटर हम अंदर डालेंगे गाइस, देख सकते हो। और गाइस आपको पूरा पानी चला के बताएंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन। ये देखिए क्या इस प्रकार आसानी से अब हम आपको मोटर चला के बताएंगे। गाइस वोल्टेज देख लेते, 240 आ रहा है। और गाइस पंप स्टार्ट करने से पहले 5 सेकंड तक दबाए रखे बटन को, तो हमने दबाए रखा, 10 एम्पियर ले रहा है। और गाइस देखिए पानी का प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा है। गाइस सिग्मा की कंपनी के माना जाए तो इतना अच्छा प्रेशर नहीं माना जाता, लेकिन ये टेक्समो को फेल करता हुआ नज़र आ रहा है। गाइस अच्छे अच्छे क्लस्कर वगैरह कंप्यूटर को फेल करता नज़र आ रहा है। देखिए गाइस इतना अच्छा प्रेशर आ रहा है इसमें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इस प्रकार के समरसेबल पंप की वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।